सॉरी गाइस, बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किया। पता नहीं क्यों पहले के जैसा वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यूट्यूब और जॉब इस दोनों का बीच में पूरा फंस गया हूँ। लेकिन डोंट वरी, आई एम बैक विद बैक टू बैक गेम को लेके, जिनमें आपको आज देखने को मिलेगा KTM बाइक ड्राइविंग गेम। जी हाँ गाइस, आपने एकदम सही सुना है, आज इतना सारे फैंटास्टिक बाइक ड्राइविंग गेम के ऊपर बोलने वाला हूँ, जिसमें आपको सारे के सारे गेम में इंडियन बाइक, ओपन वर्ल्ड, ऑफ रोडिंग, स्टंट सब कुछ कर पाओगे। इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, क्योंकि एक या दो गेम देख के आप जज नहीं कर सकते हो कि कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और सभी के पास एक हैंड डिवाइस नहीं होता है, इसलिए कुछ ऐसा गेम भी इंक्लूड किया हूँ जिसको अपने लो एंड डिवाइस के ऊपर भी स्मूथली एंजॉय कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बात करते हैं नंबर 10th गेम के बारे में। गाइस, हमारे लिस्ट पर नंबर 10th रैंक पर है मोटो मैक्स प्रो। ये गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है। बेसिकली इस गेम में एक काफी बड़ा लार्ज मैप देखने को मिलता है, जिसमें आप फ्रीली इधर उधर घूम सकते हो। वेट, इस गेम में काफी सारे अलग अलग मिशन भी कर सकते हो, जिसमें आप डाउन टाइम मोड एंड GTA स्टंट के जैसा ऑनलाइन GTA गेम के जैसा ही एंजॉय कर पाओगे। सारे के सारे मिशन खेलो और अनलॉक कर सकते हो ऑलमोस्ट 12 प्लस डिफरेंट बाइक। पर्सनली मेरे को सुपर बाइक काफी जबरदस्त लगा है। इनफैक्ट जब आप रोड के ऊपर से ड्राइविंग करोगे, पूरा एनवायरनमेंट सिटी को काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स, विजुअल्स एंड कंट्रोल कमल के देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम में लार्ज एरिया में अलग अलग मिशन, साथ में कैरेक्टर के साथ बाइक ड्राइविंग और स्टंट मारना जस्ट ओपी होने वाला है। सो अगर आपके पास मिनिमम 3GB का डिवाइस है तो इस गेम को स्मूथली एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। सो लिस्ट पे नंबर 9th रैंक पर है इंडियन कार एंड बाइक मास्टर 3D। एक्चुअली एक इंडियन गेम है, तब इस गेम के बारे में बोले तो इस गेम में बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ एक लार्ज सिटी में आप ड्राइविंग कर सकते हो अलग अलग इंडियन बाइक, जैसा आपने अभी थंबनेल में देखे हो। सेम बाइक इस गेम में भी देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, आप ड्राइविंग भी कर पाओगे। इसको लेकर सिविलियंस को एक्सीडेंट करना, वेपन से कार को ब्लास्ट करना, विजिट और भी अलग अलग इंडियन बाइक लाइक सुपर स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड, अपाची, होंडा, स्कूटी भी देखने को मिलेगा। इस गेम को सिर्फ देख के जज मत करना, क्योंकि ये काफी शानदार KTM बाइक गेम है। अब इस गेम का ग्राफिक्स के बारे में बोले तो ग्राफिक्स एंड फिजिक्स साइज के सबसे ठीक ठाक है। तो भाई, अगर आपको एक ऐसा गेम चाहिए जिसमें इंडियन सिटी, विलेज एरिया और साथ में थोड़ा अलग अलग मिशन भी एंजॉय करना है, तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। आई प्रॉमिस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और अगर ये गेम आपको पसंद नहीं आया तो डोंट वरी, क्योंकि सामने वाला गेम को अगर आपने नहीं खेलोगे तो एक फैंटास्टिक गेम को जरूर मिस करोगे। तो भाई, लिस्ट पे नंबर 8 रैंक पड़ा है क्या फ्रेशर। तो भाई, इस गेम को मैंने काफी टाइम से खेलने के बाद रिसेट किया है। एक्चुअली इस गेम को आप एक फैंटास्टिक गेम भी कह सकते हो, क्योंकि गाइस इस गेम का एनिमेटेड टाइप ग्राफिक्स जो पर्सनली मेरे को काफी सही लगा है। खैर, इस वाली गेम में एंडलेस फ्री राइड टू वे और भी अलग अलग मोड देख पाओगी। इनफैक्ट बजाज का ओल्ड बॉक्सर बाइक, एनफील्ड स्टाइक बाइक भी अवेलेबल है। ड्राइविंग करते टाइम बाइक में बैठने का स्टाइल काफी जबरदस्त है। ड्राइविंग करते टाइम फर्स्ट पर्सन मोड में मिरर व्यू काफी रियलिस्टिक वाइब्स देता है। इनफैक्ट बाइक का फ्रंट पोर्शन को ऊपर के ड्राइविंग स्टंट भी दे सकते हो। रोड के ऊपर रियलिस्टिक व्हीकल्स लाइक महिंद्रा थार के जैसा गाड़ी भी देखने को मिल जाता है। और ये गेम पूरा ओपन वर्ल्ड फील्ड रोड के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा बहुत सिटी ड्राइविंग भी एंजॉय कर पाओगी। और ग्राफिक्स क्वालिटी भाई जबरदस्त तो है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी जाके इस गेम को चेकआउट करो, डेफिनेटली पसंद आएगा ब्रदर, अदरवाइज आप एक गोल्डन गेम को जरूर मिस करोगे। तो इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट गेम के ऊपर। दोस्तों, हमारे लिस्ट पे नंबर 7 रैंक पर है ट्रायल एक्सट्रीम लीजेंड। एक ऑनलाइन गेम है ट्रायल एक्सट्रीम, एक काफी पॉपुलर गेम सीरीज है। एक्चुअली इस गेम में टोटल 3 मोड देखने को मिलता है, लाइक स्टोरी लाइन, डिविजन एंड ड्यूल रेस। सारे के सारे मोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है खेलने में, क्योंकि अलग अलग लोकेशन लाइक डॉग, रिवर साइड, माउंटेन, ऐसे टोटल 8 लोकेशन के ऊपर अपने बाइक ड्राइविंग स्किल चेक कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं, बाइक को अपग्रेड करना, अपने कैरेक्टर को फुल्ली कस्टमाइज करके ऑनलाइन प्लेयर के साथ रेस भी कर पाओगे। मेरे को तो भाई ये गेम खेलने में काफी ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। बाय द वे, इस वाली गेम में इतना सारे लेवल्स अवेलेबल है कि एक या दो दिन में खत्म नहीं कर पाओगी। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स, एनवायरनमेंट काफी शानदार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गेम का साइज ज्यादा नहीं है। सो अगर आपको चाहिए ऐसा गेम जिसमें चैलेंजिंग मिशन, ऑफरोड वाली वाइब्स, मल्टीप्लेयर एंजॉय करना और भी बहुत कुछ, तो आई थिंक ये गेम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गेम होने वाला है। सो इसी के साथ बात करते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग गेम के बारे में। तो काफी ज्यादा ढूंढ के मेरे को ये गेम मिला है, नाम है इंडियन कार एंड बाइक ड्राइविंग। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास है एक काफी बड़ा फ्लैट, तो चलो जल्दी से देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। मैं जल्दी से फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ, लेकिन वेट, जाने के लिए सीढ़ी से केयरफुली जाना पड़ेगा। सो मेरे पास है टोटल 3 बेडरूम, जिसमें मैं खाई पर भी जा सकता हूँ, सो सकता हूँ, इन पर टीवी में कार्टून भी देख सकते हूँ।
फैंटास्टिक बात तो यह है कि इस गेम में रिमोट कंट्रोल के साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन भी कर सकते हो। लेकिन वेट, अभी मेरे को ड्राइविंग करना है, तो फटाफट टीवी को बंद करके घर के बाहर चलते हैं। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है एक KTM बाइक, तो थोड़ा सा ड्राइव करता है। ड्राइविंग करने में मजा तो आ रहा है, लेकिन मेरे को और भी KTM बाइक, रॉयल एनफील्ड सुपर स्प्लेंडर बाइक को ड्राइविंग करना है। तो चलो जल्दी से अपने मोबाइल को निकाल के ड्रायल करते हैं 1000। ओ भाई, ये तो सच में आ गया। तो आप भी ठीक है सही 1001, 1002, 1003 ये सारे सीरियल ड्रायल करके काफी सारे इंडियन बाइक को स्पॉन करके ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हो। पर्सनली मेरे को KTM बाइक का ये मॉडल सबसे बेस्ट लगा है। आपको कौन सा KTM बाइक ज्यादा सुपर्ब लगता है कमेंट करके बताना। इनफैक्ट मैं अभी वेपन इस्तेमाल करके सभी घर को ब्लास्ट भी करूंगा, क्योंकि ग्राफिक्स एंड विजुअल्स नेक्स्ट लेवल तो है, लेकिन साइज है ओनली 90 MB। सो अगर आपके पास मिनिमम 1 GB रैम का डिवाइस है, तब भी इस गेम को स्मूथली अपने लो एंड डिवाइस के ऊपर भी मक्खन के जैसा रन कर पाओगे। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर, जो कि है इलाइट मोटर्स 2। आई नो आप सभी लोग इस गेम के बारे में ऑलरेडी जानते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यू अपडेट में ये गेम और भी नेक्स्ट लेवल में बिलोंग करता है, जो कि रियल लाइफ के साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है। एक बाइक ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO ऑफिस में ट्रायल देना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। ठीक ऐसे ही इस गेम को पहली बार खेलते टाइम आपको बाइक लेके ट्रायल देना पड़ेगा, दिन आपको मिलेगा एक लाइसेंस। उसके बाद आप इस गेम में लार्ज मैप को एक्सप्लोर करना है या फिर मिशन कंप्लीट करना है, वो तो आपका मर्जी। खैर इस गेम में आप एज अ डिलीवरी बॉय काम कर सकते हो, जहाँ पे स्टोर से वेजिटेबल, पिज्जा ये सब सामान को होम डिलीवरी दे सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आइसक्रीम, बर्गर, सैंडविच ये सभी कुछ कस्टमर एड्रेस में जाके डिलीवरी करना पड़ेगा। ये सारे काम करके आप इनकम कर सकते हो 150,000 पैसा, और उस पैसा से आप आराम से खरीद सकते हो रॉयल एनफील्ड, होंडा 160, अपाची, पल्सर 160 बाइक। इनफैक्ट पैसेंजर को एक स्टॉपेज से पिकअप करके दूसरे स्टॉपेज पे ड्रॉप करना, बाइक को लेके अलग अलग स्टंट मारना, ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ ग्राफिक्स क्वालिटी में कोई कम नहीं है भाई, एकदम ओपी लेवल का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। साथ में कंट्रोल वगैरह एकदम सही है, अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है फिर भी इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे नंबर 4th रैंक पर है डिलीवरी सिम जापान। बेसिकली ये गेम जापान में आपके ऊपर बेस्ट है, रियल लाइफ में जापान कभी जा पाएंगे उसका तो कोई ठीक नहीं है, लेकिन वर्चुअली तो जा ही सकते इस गेम के थ्रू। एक्चुअली इस गेम में आपको एज ए डिलीवरी बॉय काम करना होता है, जहाँ पे देखने को मिलता है एक काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप, जो की कम्प्लीटली ट्रैफिक एंड सिविलियन से भरा है। तो ये आपको उबर ईट्स के जैसा ही मोबाइल से ऑर्डर को एक्सेप्ट करना, दिन आपको फूड को पिकअप करके कस्टमर एड्रेस पे जाके डिलीवरी देना पड़ेगा, और अगर आप चाहो तो फिर आपने साइकिल इस्तेमाल भी कर पाओगे, लेकिन किसी को ठोकना मत। पर्सनली मेरे को इस गेम को खेलते टाइम एनवायरनमेंट, सिटी व्यू कितना शानदार लगा है, और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स एंड विजुअल्स कमल की देखने को मिल जाता है, काफी रियलिस्टिक फील प्रोवाइड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस गेम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, रियलिस्टिक लार्ज ओपन वर्ल्ड एरिया के कुछ नया एक्सपीरियंस आपको काफी जबरदस्त लगेगा। सो अगर आपके पास 3 से 4 GB रैम का डिवाइस है, तो इस गेम को आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए भाई। सो लिस्ट पे नंबर 3rd रैंक पर है ओजेक ऑनलाइन। गाइस मैंने बहुत सारे गेम खेला है, पर इस गेम के जैसा गेम ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भाई इस गेम का ओपन वर्ल्ड एरिया जो कि पूरा हमारे सिटी के जैसा वाइब्स देता है, जहाँ पे पहले आपको अपने बाइक या फिर स्कूटी को लेके इधर उधर घूमना होता है। इनफैक्ट कुछ टाइम के अंदर ही आपके स्मार्टफोन में एक पैसेंजर पिकअप नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको कम्प्लीटली लोकेशन फॉलो करके डेस्टिनेशन में जाके पैसेंजर को पिकअप करके ड्रॉप लोकेशन में जाना पड़ेगा। बाय द इस गेम को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में भी एंजॉय कर पाओगे, साथ ही साथ टोटल 6+ अलग अलग बाइक, स्कूटी एंड अपने कैरेक्टर को फुल्ली मॉडिफाई भी कर पाओगे, जहाँ पे जैकेट, हेलमेट ये सारे चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको काफी सारे पैसा भी खर्च करना होता है गेम में, और जिसके लिए मेरे को ये गेम और ज्यादा पसंद आया कि रोड के ऊपर रियलिस्टिक ट्रैफिक, ट्रक, वैन, स्कूटी एंड बाइक भी देख पाओगे खेलते टाइम। बाइक हॉर्न, एनवायरनमेंट जस्ट माइंड ब्लोइंग लगेगा खेलते टाइम। इनफैक्ट 1-way टू-way रूट एंड ड्राइविंग करते टाइम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना होता है। और रही बात गेम की ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स क्वालिटी काफी जबरदस्त है, पर थोड़ा डार्क टाइप फील प्रोवाइड करता है। ओवरऑल एक माइंड ब्लोइंग गेम है भाई, लो एंड हाई डिवाइस के ऊपर आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए, नहीं तो आप एक गोल्डन गेम को जरूर मिस करोगे। तो इसी के साथ चलते एक और अमेजिंग गेम के ऊपर। तो भाई हमारे लिस्ट पे नंबर 2nd रैंक पर है XT मोटर बाइक। एक ऑफलाइन गेम है, सो अगर आपको एक ऐसा गेम चाहिए जिसमें ओपन वर्ल्ड मैप हो, ऑफरोड रूट हो और गेम का साइज भी कम हो, और अगर इसमें मिल गया KTM एंड रॉयल एनफील्ड, तो फिर फुल्ली मजा आ जाएगा, क्योंकि इस गेम में सब कुछ मिलने वाला है। बेसिकली इस गेम में आपको पहले से जितना पैसा दिया जाएगा, उस पैसा से आप आराम से 2 से 4 बाइक तो खरीद सकते हो। ओ वेट, मेरे को तो मिशन के बारे में भी बोलना है। तो अभी बहुत सारे अलग अलग मिशन खेल सकते हो, सच एज स्टंट मिशन, टाइम ट्रायल, चेक पॉइंट से ड्राइविंग करना, ड्रिफ्टिंग मारना,
इन पर आपको GTA 5 ऑनलाइन के जैसा स्टार मिशन भी कंप्लीट करना पड़ता है। और अगर आपने फुल स्पीड में ड्राइविंग करते टाइम पुलिस के पास में से जाओगे तो फिर पुलिस आपके पीछे ही पड़ जाएगा। बिसाइड इसमें 25 प्लस नॉर्मल टू सुपर बाइक भी अवेलेबल है, जिसमें सुपर स्प्लेंडर से KTM रॉयल एनफील्ड सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और आपने बाइक को फुल्ली कस्टमाइज करके माइंड ब्लोइंग लुक दे पाओगे, जिसमें आप बाइक स्किन टायर एंड ऑल्सो स्मोक का कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कि ड्रिफ्टिंग करते टाइम बहुत सही लगता है। और गेम को खेलते टाइम ग्राफिक्स क्वालिटी को हाई पे सेट करना है, उसके बाद ग्राफिक्स जस्ट नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपके पास मिनिमम 2GB रैम का डिवाइस है तो इस गेम को डाउनलोड करके एंजॉय करो यार। तो अब चलते हैं लास्ट गेम में। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हमारे लिस्ट पे नंबर 1 गेम में, और गेम है मोटर ब्राजिलियन। ये भी ऑफलाइन गेम है। सो अगर आपको चाहिए कि एक न्यू नील स्टाइल ओपन वर्ल्ड मैप जहाँ पे सुपर बाइक स्कूटी ओल्ड स्टाइलिश बाइक, तो फिर ये गेम आपके लिए है, क्योंकि इस गेम में आपको देखने को मिलेगा काफी सारे बाइक जिसको लेके आप अलग अलग स्टंट मारना, ऑफ रोड ड्राइविंग करना, इन पर अलग अलग कैमरा एंगल के साथ ड्राइविंग का भी मजा ले सकते हो। इस वाले गेम में एक इंडियन स्टाइल रूरल स्टाइल ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिलेगा। और भाई रिवर्स जाने का स्टाइल काफी ज्यादा रियलिस्टिक वाइब्स देता है, एंड जब आप ब्रेक मारोगे ना तब ब्रेक लाइट काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अलग अलग इमोट भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस गेम में कोई मिशन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लार्ज मैप को एक्सप्लोर करो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी बाइक चूज करके। पर्सनल में को इस गेम के ग्राफिक्स एंड विजुअल्स जस्ट फैंटास्टिक लगा है। सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो इस गेम में बेस्ट ओपन वर्ल्ड मैप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बाइक को लेकर स्टंट मारना और अलग अलग कैमरा एंगल के साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ओपी लेवल का फील आएगा। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है भाई। सॉरी गाइस वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो वीडियो बस इतना ही। कौन सा गेम आपको पसंद आया प्लीज कमेंट करके बताना। मेरे को सबसे गेम बेस्ट लगा है इंडियन बाइक गेम कैपरेसर इलाइट मोटर्स 2 गेम। इनफैक्ट सारे के सारे गेम काफी जबरदस्त है। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा टॉप 5 बेस्ट IPL गेम के ऊपर। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में।